दोस्तों यही देख सकते हैं दोस्तों, बटेश्वर बाबा बटेश्वर का ये स्थान है। मैं दिखा रहा हूँ लगातार, मैं पहले दिखा रहा था कि बटेश्वर स्थान जो कि कहलगांव विक्रमशिला के बीच में ये जगह है बटेश्वर, और यहाँ पर देख सकते मैं आया हूँ। आज दिन रविवार है और बटेश्वर बाबा का पूजा काफ़ी श्रद्धालुओं का भीड़ है। क्या नाम है आपका? पंकज पंडित जी। कितने बटेश्वर बाबा के अलावा कितने यहाँ पर भगवान देवी देवता का है? देखिए यहाँ का महत्व ये है कि यहाँ पे काशी में भी इतना उत्तरायणी धारा नहीं बहती जितना उत्तरायणी धारा यहाँ पे बहती है। पहले यहाँ पर ही काशी बनने वाला था, सवा जो जमीन घट जाने के कारण यहाँ से काशी उठ गया और बगल बस्ती में नाम रखा गया काशड़ी। तब से इनको गुप्त काशी कहा जाता है। इधर देखो पूरे विश्व में प्रथम जगह ऐसा कि जो कि बाबा के सामने माँ काली का प्रतिमा है। सब जगह बाबा के सामने माँ पार्वती पाइएगा, नहीं माँ काली है, माँ काली का है। बगल में गुफा है, इस गुफा के अंदर तीन हवन कुंड तीन आसन है। इसमें वशिष्ठ जी कोहल ऋषि दुर्वासा मुनि तीन ऋषि मुनि तपस्या करते थे। वशिष्ठ जी प्रथम आराधना प्रथम पूजा किए, वो भी स्थापित नहीं किए, वो प्रथम आराधना और प्रथम पूजा किए, इसलिए इनका नाम वशिष्ठेश्वर पड़ा। आदमी साधारण बटेश्वर बोल देते हैं, शुद्ध नाम इनका वशिष्ठेश्वर। कोहल से कहलगांव शांतिकुटी चले गए, जो कि उनका नाम पहले कोलगंज कहा जाता था, अब आदमी धीरे धीरे कहलगांव कहा जाएगा। दुर्वासा मुनि आदि पहाड़ पर मंदिर है, दुर्वासा मुनि का स्थापित किया हुआ है। शमशान भी है, शमशान भी है। स्थापना देख सकते हैं, राम जी भी है और दोस्तों काफी भीड़ है। और गंगा माँ का उत्तर वाहिनी का ये इधर श्मशान है, जिस तरह बता रहे थे ये देख सकते हैं दोस्तों गुफा है, क्योंकि गुफा को बंद किया गया है। इसमें हम लोग पहले दर्शन किया करते थे इस गुफा के अंदर। वशिष्ठ जी यहाँ पे तपस्या किए, वशिष्ठ थे दुर्वासा थे, तो यहाँ पे तपस्या किए जी, तभी ना तीन ठो हवन कुंड और तीन ठो आसन उनका बैठा हुआ। वो बता रहे थे कि वो जो फिर यहाँ से मतलब फिर तीनों तीन जगह चले गए, वशिष्ठ यहाँ रुक गए जी, दुर्वासा चले गए ये काठरी का जो पहाड़ देख रहे हैं उस पहाड़ पे, और कोहल ऋषि चले गए मतलब आपका संदीप बाग का पहाड़ है बाद में, वशिष्ठ यहाँ रुक गए। और ये जो यहाँ गुफा के बारे में विश्व में शायद ये पहला ऐसा जगह है जहाँ पे शंकर जी के मंदिर के सामने अमूमन पार्वती का मंदिर देखते हैं हम। इसलिए तो मतलब कोई सपना सपना था, यही चार आदमी के पास में हम बोले जी कि हर जगह गए होंगे लेकिन बाबा के सामने माँ पार्वती पाइएगा लेकिन माँ काली नहीं पाइएगा। हम तो कुआं का बैंग है मतलब करके यहाँ से मतलब कहा मतलब करके वह है महादेव उठा लिया चूटा लगा दिया चूटा हमको, देखो ये क्या बोलते हैं। इनका आशीर्वाद से चार बार चारों धाम हुआ है।